उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ देगी। यह बयान उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने दिया है। दरअसल खेल मंत्री चेतन चौहान आज मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। खेल मंत्री चेतन चौहान की माने तो उत्तर प्रदेश की सरजमीन से बाहर की तरफ रुख करने वाले खिलाड़ी अब वापस प्रदेश में लौट रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें नौकरी और दूसरी सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह खुद अब तक 38 स्टेडियमों का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और उन्हें बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का श्रेय उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश में 3 जगहों पर फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने जा रही, ताकि खिलाड़ियों को घायल होने पर इधर उधर भटकना ना पड़े। साथ ही तमाम प्रदेश भर में स्टेडियम में महिला टॉयलेट की संख्या बढ़ाई जा रही है। खेलों में ट्रेनिंग की अवधि को बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी निकल सके। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट।